के जैसे कोई क्रूज खड़ा है, पानी का जहाज रहता है ऐसा, और मोंटिसा मोंटिसा करके होटल है। और फ्रेंड्स ये वाली बिल्डिंग आप देखो कंटेनर से कितना खतरनाक बनाया हुआ है ना। अब जाएंगे आप पूरे, आप देख सकते हो भाई सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये यहाँ पे इसके सामने कितना खूबसूरत बना हुआ है ना, वेलकम टू सूरत लिखा हुआ है। और इधर और ये पूरा एकदम गोवा जैसा फील आता है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा ग्रीन ग्रीन पूरा। पहले ये पूरा कच्चा रोड था, बन रहा था उस टाइम जब मैं आया था तब बन रहा था यहाँ पे। एटीवी लेकर और अभी चला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी मंदिर, और मैं खाटू श्याम जी मंदिर जो राजस्थान में हुआ नहीं, यहाँ पे सूरत में ही बना हुआ है, और काफ़ी ज़बरदस्त और भव्य मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है, और अभी उसको लगभग 5 साल जितने हुए बने हुए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, और अभी बज गए हैं 9:30 लगभग बज गए हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ और अपनी बाइक नीचे रेडी खड़ी है, सो लेट्स गो। और वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और फुल कर दे तंगी, फोटो कटे ना। और फ्रेंड्स मेरा कॉलेज आ गया है जहाँ पे मैंने अपना BSc कंप्लीट किया है, PP Sawhney University, उसका ये आप यहाँ से देख सकते हो, PP Sawhney University लिखा है। और ये गेट है इसका, ये देखो ये बोर्ड लगा है यहाँ पे PP Sawhney University। यहाँ पे मैंने अपने 3 साल गुजारे हैं, BSc कंप्लीट किए यहाँ पे, और अभी MSc में UPL University से कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी है। लो भाई हम आ गए हैं नियर बाय किम के पास आ गए। और ये जो आप हाईवे देख रहे हो, ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है वो वाला हाईवे है, और अभी भरूच से लेकर मतलब आगे आगे उधर बन गया, और इधर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अभी इधर अभी 60% काम हो गया है और थोड़ा बाकी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे कितने बड़े वो रखे हुए टैंक शायद टाइप के रखे हुए, और ये हाईवे से ऊपर लगा हुआ है इसलिए शायद तक यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। जैसे कितने बड़े बड़े हुए, किसी कंपनी में जा रहे होंगे, टंकी है टंकी टाइप का कुछ है, दो रखी हुई है, ये भी कितनी बड़ी है। उधर बारिश थी, बीच बनाई थी, फिर इधर बारिश है, पूरा रोड गीला क्या हुआ पड़ा है। अभी अभी बारिश होकर थोड़ा सा हमें सूख गया है, मतलब 5-10 मिनट पहले हुई होगी बारिश। हम धीरे धीरे चलाएंगे क्योंकि काफ़ी छींटे उड़ रहे हैं। और ये हम किम पहुंच गए हैं, और बस 5 किलोमीटर आगे जाएंगे और वहां से राइट मुड़ जाएंगे, और वहां से बाईपास को पकड़ के सीधा खाटू श्याम टेम्पल है वहां पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स जो हम जाएंगे वो रास्ता पीछे रह गया है, हम आगे से यू टर्न मार के वापस आएंगे और उस रास्ते से जाएंगे और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आ गया है यू टर्न, ओके पहले देखते हैं। हेलो जी फ्रेंड, हम बहुत देर बाद हम आ गए हैं रोड क्रॉस करके, और अभी ये राज होटल में कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद आगे निकल जाएंगे क्योंकि भूख लगने लग गई है। और यहाँ पर अपनी बाइक, चलो यहाँ पे लगा देते हैं अपनी बाइक। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, और अपनी बाइक आगे पार्क कर दी, वहाँ पर अपने सामने ही पड़ी है, और अभी डोसा ऑर्डर कर दिया है, और थोड़ी देर में डोसा आएगा हम खा के निकलेंगे। सो फ्रेंड्स अपना डोसा आ गया है, चीज़ डोसा फटाफट ख़त्म करते हैं और निकल। 1 hour later। सो फ्रेंड्स हमने अपना डोसा ख़त्म कर दिया, खा लिया है, और अभी निकल रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, और ये पड़ी है अपनी बाइक, सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स हमने नाश्ता कर लिया है, डोसा खाया और काफ़ी टेस्टी था, और पेट एकदम चित हो चुका है। अब निकल रहे हैं वापस अपनी मंजिल की ओर, वही हाईवे पे पड़ता है ये वाला होटल, और अभी हम यहाँ से सीधे बाईपास हो गए निकल लेंगे, सूरत को बाईपास कर देंगे, और सूरत से मतलब सूरत के एकदम उस छोर पे है वो मंदिर, और काफ़ी बढ़िया है,
अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ से सूरत है 27, हजीरा 49 और ओलपाड़ है 25। और फ्रेंड्स आगे आप टेम्पो में देख सकते हो शिव जी की कितनी बढ़िया मूर्ति लेके जा रहे हैं, वाइट कलर की संगमरमर से बनी हुई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अचानक दिखा था, मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। और अभी एक लोचा और दिखा रहा है कि जो बाबा श्याम का जो मंदिर है, खट्टू वाले बाबा श्याम का, वो मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है और शाम को 4 बजे खुलेगा। और अभी बच गए हैं 12, हमारे पास 1 घंटा बचा है और यहाँ से जाने में भी 1 घंटे का मतलब बता रहा है रास्ता। अब पता नहीं, हम अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो शाम को 4 बजे तक 4 बजे दर्शन करेंगे। सो देखते हैं भाई। और फ्रेंड्स ये बिल्डिंग्स को देख के लग रहा होगा आपको हम सूरत में आ गए हैं, और यहाँ से अभी बहुत लंबा रास्ता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और हम पहुँच गए हैं सूरत। और अभी यहाँ से भी लगभग 20 किलोमीटर और है जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, और आधा घंटा और बचा हमारे पास। और आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमने डिसाइड किया है कि अभी 1 बज गया है तो वो तो बंद हो गया है, तो अभी चलते हैं डुमस और डुमस घूम के आते हैं। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये पूरा होटल लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये डुमस वाला रोड भी बहुत खूबसूरत है एयरपोर्ट तक। और आपने भी बहुत सारी रील्स देखी होगी, यहाँ पर सुपर कार्स वो सब जाती है सूरत की। और ये आप देख सकते हो ग्लोब कितना मस्त बना हुआ है ना, पूरा रोड पर ग्रीनरी, अभी तो पूरा गार्डन जैसा बना दिया है पूरा, और काफ़ी ज़बरदस्त है, अभी तो बन ही रहा है। और इसी रोड पर आगे एयरपोर्ट भी पड़ता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फ्रेंड्स ये वाली बिल्डिंग आप देखो कंटेनर से कितना खतरनाक बनाया हुआ है ना, कितने फ्लोर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लोर का है, लेकिन कंटेनर से एकदम ज़बरदस्त बनाया हुआ है। कितनी बढ़िया डिजाइन है ना, आप देख सकते हो एकदम। और उस पूरे आप देख सकते हो भाई साहब क्या बात है। और ये सूरत हवाई अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का गेट काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये यहाँ पे इसके सामने कितना खूबसूरत बना हुआ है ना, वेलकम टू सूरत लिखा हुआ है, और इधर भी लिखा हुआ है लव सूरत। और ये पूरा एकदम गोवा जैसा फील आता है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा ग्रीन पूरा, और बीच में आपको नारियल के बहुत सारे पेड़ भी मिलेंगे। पूरा गोवा लगता है एकदम, ऐसा लग रहा है गोवा में घूम रहे हो आप। गोवा के रोड पे घूमोगे तो आपको ऐसा ही फील आएगा पूरा। ये देखो आप कितने सारे नारियल के पेड़ आ रहे लाइन से, इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं, और पूरा ग्रीन है, बहुत बढ़िया एकदम, पूरा एकदम डुम्बा जैसा गोवा जैसा। और यहाँ पे भी रोड कितनी खूबसूरत बनी है ना, पहले जब मैं आया था डुमस तब मैं मतलब व्लॉग नहीं बना रहा था, तब ही यहाँ पे सिर्फ सिंगल रोड थी, और अभी कितना ही खूबसूरत बन गया आप देख सकते हो। बीच बीच में वो पैदल पैदल जाने वालों के लिए रास्ता है, और बाजू बाजू में गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो घास फूस से कितना मस्त बना हुआ है ना आदिवासी का। क्या पहले ये पूरा कच्चा रोड था, बन रहा था उस टाइम जब मैं आया था तब बन रहा था यहाँ पे, और अभी बन कर तैयार हो गया है।
जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमें यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल सब बन जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम ना। और सामने जो मंदिर है उसके बस जस्ट सामने आ गया है बीच। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो कम दिख रही है, बाकी यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती है। बहुत सारी एकदम बहुत पब्लिक आती है। आज सैटरडे उसकी वजह से भी शायद तक कम भीड़ है। देखते हैं आगे। अभी तो मिल जाएगा अपन को इजीली पार्किंग। यहाँ पे मिल गया अपन को अच्छा सा पार्किंग। सो फाइनली फ्रेंड मैं आ गया हूँ डुम्बस, और आप देख सकते हो डुम्बस बीच। हमने बाइक अपने यहाँ पे पार्क कर दिए और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे, मतलब पब्लिक कम है लेकिन बहुत यहाँ पे ईटीवी का राइड है, बाइक राइड है, उसके बाद जिप्सी, मतलब बहुत सारे राइड करने के लिए यहाँ पे, और रूट भी है यहाँ पे बैठा हूँ, और बहुत सारे रूट उधर भी है। और अभी मैं आपको इधर जाके दिखाता हूँ, ऊपर से पत्थर वत्थर है बहुत सारे, मैं यहाँ पर ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है एकदम, मौसम भी बहुत बढ़िया है और आप देख सकते हो पूरा। कितने ज़बरदस्त है ना। अभी मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर से आपको दिखाता हूँ, फिर बाद में उधर जाके वो ईटीवी का राइड वाले से पूछेंगे कितना लेते हैं, अगर वो मतलब कम पैसे में लेके जाएंगे तो आप वो वाला भी करके दिखाऊँगा आपको मैं। और फ्रेंड्स अभी काफ़ी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा, सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। पानी अभी बहुत दूर है, पानी आपको वापस ऊपर आ जाएंगे। और आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, गणेश जी का मंदिर, और आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब खाने पीने की बहुत सारी सब जगह मिल जाती, सब चीज़ मिल जाती है, मैगी वैगी भेल वेल, मतलब पानी पूरी सब मिल जाता है, भुट्टा वट्टे। और यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी के लिए भी बहुत सारे मतलब बना हुआ दिखा। और यहाँ पे ऊँट बैठा हुआ है, तो आप देखो पूरा एकदम दूर दूर तो पब्लिक ही पब्लिक है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और एक नंबर। फ्रेंड्स ये वाला वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और हम जो मतलब एटीपी का राइड करेंगे और जो खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और हम एटीपी की राइड करने वाले हैं अभी, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, और बाय। एटीपी लेकर और अभी चला रहे हैं, मुंबई दिख रहा है, आगे शाम सर्कल आएगा, फिर सर्कल के पास ही खाटू श्याम जी का मंदिर है।